हेलो गाइस, आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल थिंग्स में। और मैं आज आपको सिखाऊंगा एज कैलकुलेटर कैसे बनाएं। तो ज़्यादा वक्त ना गवा करें, मैं आपको शुरुआत करते हैं सिखाते हैं। पहले यहाँ लिखिए पाइथन एज, इसे खोल लें। खोलने के बाद आप दबाएं कंट्रोल और एन, इसे न्यू ओपन करें और इसे सेव कर दें पहले ही डेस्कटॉप को। एज सेव कर दिया। अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम लिखेंगे प्रिंट हेलो सर। तो जो हमने लिखा इसका मतलब कि है कि हम यूज़र को हेलो सर कह रहे हैं और यूज़र से हम कुछ अभी मांग नहीं रहे, मतलब कि कुछ इनपुट नहीं है, कुछ जैसे कि फ़ोन नंबर नहीं मांग रहे हम उससे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे देने के लिए। और इसके जैसे कुछ मांगना हो तो हमें इनपुट लिखना है। तो इनपुट एंटर यूअर नेम, मतलब अब हम यूज़र से मांग रहे हैं कि अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका, जिसे हम बाद में यूज़ कर दें। और जो हमने ये मांगा है उसको हम नेम देंगे नाम, मतलब कि जो भी वो यूज़र है जो एंटर करेगा, मतलब जो लिखेगा वो नेम होएगा, मतलब कि हमारे हिसाब से मशीन उसे नेम के नेम रखेगी, उसका नाम नेम होगा। मतलब हम उसको अगर कभी भी हमें जैसे कि यहाँ लिखना हो उसका नाम, तो हम उसका नाम हमें पता नहीं है तो हम नेम लिख देंगे और जो भी वो लिखेगा वो आगे भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ईयर इज इक्वल टू इंट। इंट यहाँ हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम यूज़र से मांग रहे हैं कि आप एक जो भी मांग रहे हैं वो एक नंबर है और उसको हमें उसके लिए हमें इंट लिखना। गुड, एंटर यूअर एंटर यूअर एंटर द ईयर दैट इज गोइंग ऑन। उसके बाद हम लिखेंगे कौन से साल, मतलब कौन से साल में आप पैदा हुए, उसको हम बर्थ ईयर लिख देते हैं। आप जो भी यूज़र लिखे हो बर्थ ईयर होगा वो भी इंट होगा क्योंकि वो भी एक नंबर है। एंटर द ईयर इन विच यू आर बोर्न, द ईयर इन विच बोर्न, यहाँ नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हम इनपुट लगाना इनपुट एंटर वन इफ यूअर इन दिस ईयर otherwise enter leave। अब हम एक कमांड देंगे जिससे मतलब कि जो ईयर है जो अब चल रहा है उसमें से हम ये बर्थ ईयर को माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे एज इज इक्वल टू, हमने नाम क्या दिया था ईयर, तो हम यहाँ ईयर लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज ईयर माइनस बर्थ ईयर ईयर। अब हम एज टू देंगे और वहाँ पे एज माइनस नंबर,
मतलब कि इस अब हम जो ये माइनस करके आएगा आंसर उसमें से इसको भी माइनस कर देंगे, वो एज 2 होगा। तो ब्रेन पेंट योर एज इज कॉमा इससे जो उसकी एज होगी वो आ जाएगी 13 साल का, 12, 20, 30 जितनी भी होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी जगह अलग कर दीजिएगा। तो हम रन करके देखते हैं कोई आ रहा है तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नंबर के बाद ये यहाँ पे एक एरर है, तो देखते हैं क्या हो गया। इस डॉट को हटा देते हैं जो हमने नंबर के बाद लगाई है यहाँ से भी। अब रन करते हैं, अब वो एरर नहीं आ रहा, वो डॉट की वजह से आ रहा था। पहले अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। सब्सक्राइब करना मत बोलने के चैनल प्लीज़, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं, जो बता सकता हूँ मैं बताता हूँ अपनी तरफ से। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ये क्या 13 आ रहा था? आई थिंक आई हैव डन एन मिस्टेक, इज नॉट कम आ रहा है नॉट। तो अब एक बार हम चला के देखते हैं। मतलब इस पाइथन से भी बना सकते हो, तो रन करके देखते हैं अब हम द ईयर दिस गोइंग। तो ये आ गया 13 और हमारा एज कैलकुलेटर सही से वर्क कर रहा है। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा और हैव अ नाइस डे।